हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कर लिए थे। आज प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और साथ में आप लोग भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए, आप लोगों का बिना टाइम लेते हुए हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली 2.3 में कुछ फार्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, तब आपके प्रश्नावली 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं वो सूत्र क्या है कि जैसे अब हम लोगों ने क्या करते हैं कि अगर किसी संख्या में 2 से भाग देना हो, जैसे 5 में 2 से भाग दिया जाए तो 2 × 4 होता है और 5 में से 4 घटाते हो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये 1 आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, भागफल कहलाता है। ठीक, तो क्या इस भाज्य को क्या लिखा जा सकता है, एक फार्मूला बनता है, क्या लिखा जा सकता है कि हम यहाँ लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। ये एक फार्मूला तैयार हो जाता है, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि अगर आपको ये संख्या न दी हो तो यदि हम लोगों बहुपद माने, यहाँ हमको संख्या से डिवाइड नहीं करना, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, भाग दे के बताना है कि ये इनके शून्यक हैं या नहीं है। तो यदि मानते हैं, यदि पी एक्स और क्यू एक्स, यदि पी एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद हों तो पी एक्स को हम लोग क्यू एक्स में भाग देने पर, पी एक्स को क्यू एक्स में भाग देने पर जो भागफल आए वो भागफल क्या आता है, जी एक्स आता है, और जो आपका शेषफल आता है वो क्या आता है, आर एक्स आता है। पी एक्स को क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल जी एक्स आ गए और शेषफल क्या आ गया प्यारे बच्चों, आर एक्स आ गया। तो अगर हमको इस रूप में लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है, इसके स्थान पर कौन है प्यारे बच्चों, क्यू एक्स है। क्यू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एक्स गुणे जी एक्स, पी एक्स गुणे जी एक्स और प्लस आर एक्स। तो प्यारे बच्चों, यही एक छोटे से फार्मूले हैं, इस फार्मूले पे आप प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों फार्मूले को आप याद करके रखिएगा कि क्या बताया गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो चलते हैं प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या प्यारे बच्चों, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है, पहले का पहला नंबर, पी एक्स बराबर दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब, फिर क्या है, -3x² है, फिर क्या है, +5x, प्लस कितना है, 3 है, सॉरी +3 न होके क्या है प्यारे बच्चों, -3 है। उसके बाद साथ साथ में क्या है, जी एक्स, तो जी एक्स क्या है, x² - 2 है। आपको बताना है कि जी एक्स से पी एक्स में भाग दीजिए और भागफल और शेषफल क्या आते हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, चलते हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देने का क्रम क्या होता है, x² - 2 यहाँ उतार लेंगे, ये आपका क्या होगा, भाजक होगा, और जो भाज्य है उसको नोट कर लेते हैं, x³ - 3x² प्लस कितना है, 5x है, -3 है।
तो आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ घात कितनी है? तीन है। यहाँ घात कितनी है? दो है। यहाँ घात कितनी है? तीन है। यहाँ की घात कितनी है? दो है। तो हम कितनी बार यहाँ पर लेके जाएं कि घात तीन हमको मिल जाए? तो अगर हम x घाते दो में एक x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो घात तीन मिल जाएगी। यानी हम कितनी बार लेके जाएंगे? एक x बार ले जाएंगे। तो एक x का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे प्यारे बच्चों तो x घाते तीन आ जाएगा, और इस x का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा? दो x। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस दो x है तो ये माइनस दो x आप इसके नीचे लिखोगे। ठीक, अब क्या करोगे प्यारे बच्चों? माइनस करते थे तो ये माइनस हो गए और ये क्या हो गए प्यारे बच्चों? प्लस हो गए। ध्यान से समझिएगा, अब आपके सामने ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब ये आपके नोट कर लिए गए, क्या है? माइनस तीन एक्स स्क्वायर, और पाँच और दो जोड़ दिए कितने आ गए प्यारे बच्चों? सात एक्स आ गए, और ये माइनस कितना है? तीन है। अब फिर हम लोग क्या ले जाएंगे? जब जब आपको संख्या के पहले माइनस दिखाई पड़ जाए तो आप यहाँ पर भी माइनस लगा लेना प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ एक्स घाते दो है, एक्स घाते दो है, पर कमी किसकी है? तीन की। तो कितनी बार लेके चले जाएंगे? तीन बार लेके जाएंगे। तो तीन का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? माइनस तीन एक्स स्क्वायर। फिर तीन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितने हो गए? तीन दूनी छः प्यारे बच्चों, ये आ गए, ये आपके क्या हो जाएंगे? प्लस, और ये क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये पूरे कैंसिल हो गए। अब यहाँ आपके पास क्या बचा? सात एक्स बचा है, और फिर क्या बचा है प्यारे बच्चों? माइनस छः और माइनस तीन प्लस कर दिए माइनस नौ। तो ये आपके आ गए शेषफल। तो आपके प्रश्न में पूछा गया था कि प्यारे बच्चों भागफल आपको ज्ञात करना है, तो भागफल क्या आया है? x माइनस तीन, और क्या ज्ञात करना था? शेषफल। तो शेषफल क्या आया है प्यारे बच्चों? सेवन एक्स माइनस नाइन। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल समाप्त हो जाता है। आपके जो पहले प्रश्न थे उनमें आपको पहला मानसिकता ये बना के रखना है बच्चों कि हर एक बार ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करें कि एक एक संख्या आपको डिवाइड, एक एक संख्या आपके कट जाने चाहिए। तो आपके पहले सवाल इस प्रकार है। तो आप आंसर इनका मिलाना चाहो तो आप इनका आंसर मिला भी सकते हो, या उत्तर की जांच करना हो तब भी उत्तर की आप जांच इसका कर सकते हो। तो आइए प्यारे बच्चों आपको उत्तर की जांच करना सिखा देते हैं जरा सा। उत्तर की जांच, अगर आपके प्रश्न गलत रहेंगे तो आप बता सकते हो कि गलत है या सही है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, उत्तर की जांच क्या है, ये आप देखिए, ये क्या है आपका ये आपका क्या है? भाजक है। क्या है प्यारे बच्चों? ये भाजक है। ये क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या होता है? भाज्य। और गुणे क्या होता है? भागफल। भागफल और प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों? शेषफल होता है। अगर ऐसा करने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए तो समझिएगा आपके सवाल सही हैं या नहीं तो गलत रहेंगे। तो भाज्य क्या है प्यारे बच्चों? भाज्य आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस दो है। और भागफल क्या आया है प्यारे बच्चों? एक्स माइनस तीन आया है। और शेषफल कितना आया है? सेवन एक्स माइनस नाइन आया है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसका मल्टीप्लाई एक बार यहाँ करेंगे तो एक्स घाते दो है, और यहाँ एक्स घाते एक है, तो दो और एक मिलके कितना हो गया? एक्स घाते तीन। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार यहाँ करेंगे, दोबारा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस तीन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस तीन एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों फिर से अब इसका करेंगे तो माइनस दो का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो माइनस दो एक्स। फिर इसी का मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। दो त्याई छः, आगे क्या है प्यारे बच्चों? सात एक्स माइनस नाइन है। अब आप ध्यान से समझिए कि इनको हम लोग हल करते हैं तो ये एक्स क्यूब आ गए, ये देखिए माइनस तीन एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये दो एक्स हैं, ये सात एक्स हैं, तो सात में से दो एक्स घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? पाँच एक्स आ जाएगा प्यारे बच्चों। और माइनस नौ में से छः घटा देंगे माइनस तीन आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। या तो आप देखिए क्या आपके ये जो भाग भाजक थे ये मैच कर रहे हैं, तो मिलाइए एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस क्या है? तीन। अतः आपके क्या है? उत्तर सही है। क्या है भैया? उत्तर आपके सही हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये पहला सवाल समाप्त होता है। आप खुद स्वयं जांच सकते हो कि आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं। तो हम अगले सवाल को नोट करते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, दूसरा सवाल क्या है प्यारे बच्चों?
पी एक्स इक्वल टू, चलिए इसको मूव कर लेते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है, पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर यक्स घाते चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, चार एक्स है और प्लस कितना है, पाँच है प्यारे बच्चों। और जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक है और माइनस कितना है प्यारे बच्चों, एक्स है। आप इनको आगे पीछे कर सकते हो तो इनको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से जी एक्स को पी एक्स में क्या करते हैं, भाग देते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, जी एक्स का मान कितना है, थोड़ा सा पी एक्स वाले भाग को आप बड़ा कीजिए, तो जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक है और यहाँ कितना है, एक्स घाते चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस कितना है, पाँच है प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ घात कितनी है, चार है, यहाँ घात कितनी है, दो है, तो यहाँ कितनी जरूरत पड़ने वाली है, दो की, तो पता चल गया एक्स घाते दो बार जाएगा। चलिए यक्स घाते दो का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो दो और दो कितने हो गए प्यारे बच्चों, चार हो जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो पहले माइनस हो जाएंगे, फिर एक्स घाते कितना हो गया, क्यूब हो गए, फिर क्या है, इनका मल्टीप्लाई आप इनसे कर दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चले अब देखिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस थे प्लस, ये प्लस थे क्या हो गए माइनस। तो प्यारे बच्चों ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। आप एक चीज, सॉरी थोड़ी सी आपकी यहाँ लगाते समय सवाल पे ध्यान नहीं दिए गए, इस भाग को आप फिर से समझ लेते हैं जरा सा। क्या होता है, जब आप एक्स स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ कितना आता है, एक्स घाते चार आता है, पर जब इसका मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी एक्स घाते तीन। तो ये एक्स घाते तीन हम लोग इधर की तरफ लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पावर यहाँ नहीं मैच कर रहे, तो एक्स घाते कितने आ गए, तीन। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब क्या करते हैं, माइनस, ये माइनस, ये क्या हो गए, प्लस, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस तीन और माइनस एक, माइनस तीन यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस एक होता है, माइनस तीन माइनस एक कितने होंगे, माइनस चार एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, फिर क्या है आपके, प्लस एक्स क्यूब है, कितना है प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब है। तो हम पहले एक्स क्यूब को लिखते हैं, किसको लिखते हैं प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब को लिखेंगे, और ये वाले जो माइनस तीन और माइनस एक है इसको इधर लिखते हैं, माइनस चार एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से यहाँ बच्चों समझिए, हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग एक्स क्यूब को लिखते हैं, फिर इनको लिखते हैं माइनस चार एक्स स्क्वायर। आगे क्या है प्यारे बच्चों, चार एक्स है प्लस कितना है, पाँच है। अब कितनी बार लेके जाएंगे आप देखिए, यहाँ घात दो है, यहाँ घात कितना है, तीन है, तो कितने घात की कमी है, एक की, तो एक्स बार लेके चले जाएंगे। तो चलिए एक्स बार लेके चलते हैं, यहाँ कितना आएगा, एक्स घाते तीन आ जाएगा, दो एक, यहाँ घात एक है देखिए, एक इससे इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स घाते तीन, जब इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनसे करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्यारे बच्चों ये आपके कैंसिल। अब माइनस चार में से एक घटा दोगे, माइनस चार में से एक घटा दोगे तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर, चार में से एक घटा दोगे तो तीन एक्स, और ये प्लस क्या आ गए प्यारे बच्चों, पाँच आ गए। अब आप कितनी बार लेके जाएंगे, तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए माइनस है तो हम कितनी बार लेके जाएंगे, माइनस बार, तो माइनस तीन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस तीन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस तीन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस तीन आ जाएंगे प्यारे बच्चों। ये माइनस है क्या आ जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या, प्लस। घटाते समय जो यहाँ के प्रतीक रहते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस रहेंगे माइनस, माइनस रहेंगे प्लस, तो ये आपके कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, पाँच और तीन जोड़ दिए आठ, तो आपके जो शेष फल आ गए वो क्या आ गए, आठ आ गए प्यारे बच्चों। अगर आप इसका भी उत्तर की जांच करना चाहते हो तो उत्तर की जांच कर सकते हो, तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। चलिए इसको मूव करते हैं, इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है आप लोगों से, इसके तीसरे पार्ट है पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर एक्स घाते चार
माइनस कितना है, 5x है, और प्लस कितना है प्यारे बच्चों, 6 है, फिर उसके बाद gx, और gx आपके क्या है, 2 माइनस x स्क्वायर, ठीक प्यारे बच्चों। अब इनसे इनको भाग देना है, तो आइए हम लोग भाग देते हैं, 2 माइनस x स्क्वायर, यहाँ कितना है भैया, x घाते 4, फिर कितना है माइनस 5x है, फिर कितना है प्यारे बच्चों, 6 है। तो आप ध्यान से समझिएगा, हमको उस हिसाब से लेके चलना है कि सबसे पहले ये होना चाहिए था, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर और जो आपके ये प्लस 2 थे वो क्या कर दिए, माइनस 2 कर दिए। हम क्या बताया प्यारे बच्चों, जो आपके प्लस 2 थे वो माइनस 2 हो गए, और जो आपके माइनस थे वो क्या हो गए, प्लस हो गए। तो थोड़ा सी आसान करने के लिए आपको बता दिए गए। अब देखिए, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 2 4 है, कितने की कमी है, 2 की, एक्स घाते 2 कितनी बार हो जाएगा, एक्स घाते 4, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x² आ जाएगा। तो इसको हम लोग बगल उतार लेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 2x² और ये माइनस 5x, और क्या बचा प्यारे बच्चों, 6 बचा है। अब देखिए यहाँ कितने की कमी है, 2 की, तो आप 2 बार लेके जाएंगे, कितनी बार, 2 बार, तो 2x² आ गए, फिर 2 × 4, ये माइनस 4 आप इधर उतारिएगा, ठीक प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस ही रहेगा, ये आपके क्या रहेंगे, ये देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, इसका निशान नहीं बदलते, यहाँ के बदलते हैं, कि यहाँ जो होगा आपका प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके माइनस 5x आ जाएंगे, और ये 6 और 4 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 10 हो गए, कितने हो गए प्यारे बच्चों, 10 हो गए। अब आपके ये क्या हो जाएंगे, ये आपके शेषफल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, शेषफल। आप लास्ट क्वेश्चन का अगर उत्तर की जाँच करना चाहते हो तो कर लीजिएगा उत्तर की जाँच। तो प्यारे बच्चों उत्तर की जाँच क्या होती है, मैंने बताया आपको कि भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। प्यारे बच्चों चलिए, यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य आपका क्या है, ये है, तो प्यारे बच्चों भाज्य कौन है, ये, सॉरी क्या आप लोग कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिए, यहाँ पर क्या होने चाहिए थे आपके, फिर से एक बार इस फार्मूले को देख लीजिएगा आप लोग, कहीं मिस्टेक कर दोगे तो आप उत्तर की जांच करने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो क्या था भैया, भाज्य बराबर था, क्या था, भाज्य बराबर भाजक, क्या था, भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, भाजक कितना है आपका, x² माइनस 2 है, और भागफल क्या है, x² प्लस 2 है, और शेषफल कितना है आपके, माइनस 5x हैं, और प्लस कितना है प्यारे बच्चों, 10 है। a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, या आप इनसे इनका मल्टीप्लाई कीजिए, x घाते 4, फिर इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो प्लस 2x², फिर इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो माइनस 2x², और इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो माइनस 2 × 4 आ गए प्यारे बच्चों, ये माइनस 5x आ गए, ठीक, और ये क्या आ गए, प्लस 10 आ गए। तो ये देखिए प्लस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल, x घाते 4, ये आपके क्या बचे, माइनस 5x बचा है प्यारे बच्चों, 10 में से 4 घटा दोगे कितना बचेगा, 6, तो ये आपके आ जाएंगे, जो कि ये मिल गए, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप उत्तर की जांच कर सकते हो। सवाल आप लोगों से कर रहा है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों जब शेषफल 0 आ जाएगा तो दिए गए बहुपद गुणनखंड रहेंगे, और अगर शेषफल 0 नहीं आता तो बहुपद गुणनखंड नहीं है। एक बार फिर से आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आप लोग क्या करते हो, 2 से 7 में डिवाइड करते हो और 2 से 4 में डिवाइड करते हो, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो कट गए तो शेषफल क्या आया, 0 आया, शेषफल क्या आया, 0, 2 × 3 = 6, तो 7 में से 6 घटाओगे 1, तो यहाँ शेषफल जो है आपका 0 के इक्वल नहीं आया है। तो ये हम कह सकते हैं ये 2 जो है ये 7 का गुणनखंड नहीं है, 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, इसीलिए तो शेषफल 0 नहीं आता।
समझो बच्चों, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो दो है वो सात का गुणनखंड नहीं है, यहाँ दो चार का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि शेषफल क्या आ गए? जीरो आ गए। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए प्यारे बच्चों कि भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है और नहीं आते तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है प्यारे बच्चों? दूसरे का पहला नंबर आप देखिएगा, जहाँ t दिया है वहाँ प्यारे बच्चों हम लोग x मान लेते हैं, क्योंकि t और जो प्लस के निशान होते हैं वो दोनों एक ही रंग के दिखाई पड़ने लगेंगे तो आपको समझने में दिक्कतें आएंगी, तो हम लोग t को x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस कितना है? तीन है, ये है, फिर क्या है भैया? कामा है, फिर दो एक्स घाते चार है, फिर प्लस क्या है? तीन एक्स क्यूब है, फिर क्या है? माइनस दो एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है? माइनस नौ एक्स है, माइनस कितना है? बारह है प्यारे बच्चों। तो ये भी सवाल बहुत आसान है, इससे इसको डिवाइड कीजिए, अगर शेषफल शून्य आ गए तो ये आपके बहुपद ये 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 वाला इसका गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं, तो इसे मान लेते हैं। माना पी एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस तीन, और जो ये क्यू एक्स है वो क्या है? दो एक्स घाते चार प्लस तीन एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स माइनस बारह। तो हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ दो एक्स घाते चार प्लस तीन एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्यारे बच्चों? माइनस नौ एक्स है, माइनस क्या है? बारह है। तो डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस तीन से। तो प्यारे बच्चों हमने कितनी बार बताया कि मानसिकता ये आपकी बननी चाहिए कि हर एक बार भाग ले जाने पर एक संख्या पूर्ण रूप से कट जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कितना है? दो है, यहाँ दो की कमी है तो दो बार लिख लेंगे। यहाँ एक्स घाते दो है, यहाँ एक्स घाते कितना है? चार है। तो ये कितने की कमी है यहाँ पर? दो की। तो यहाँ कितना लेके चले जाएंगे? एक्स घाते दो। प्यारे बच्चों अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो आप बेहिचक रहिएगा, आप इसके पहले पद को उठाया करो, इसके पहले पद को पहले से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका पहला पद देखिए, दो एक्स घाते चार है, इसका पहला पद उठाइए और इसके पहले पद से डिवाइड कीजिए, तो एक्स घाते दो दो ठो कट जाएंगे, तो कितना बचा प्यारे बच्चों? दो एक्स स्क्वायर। तो कितनी बार लेके जाओगे? दो एक्स स्क्वायर बार लेके जाओगे प्यारे बच्चों। तो आपकी ये भी समस्या समाधान हो गए कि सर हमको ये नहीं पता चलता कि कितनी बार लेके जाए, कितनी बार पहाड़ा पढ़ें। अरे बच्चों कुछ दुनिया में कोई चीज़ हार्ड नहीं होता, कोई चीज़ कठिन नहीं होता, उसी प्रकार आप इसके पहले वाले पद को उठाइए, इसके पहले पद से भाग दे दीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी बार यहाँ लेके चलते हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे, क्लास को बढ़ाते हैं हम लोग। तो दो का गुणा यहाँ करोगे तो आएंगे दो, फिर एक्स घाते दो और दो मिलके कितने हो गए? एक्स घाते चार। फिर यहाँ करेंगे तो तीन दूनी कितनी आ जाएगी भैया? तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस ये क्या हो जाएंगे? प्लस। ये आपके कैंसिल, ये आप इनको नोट कर लोगे, इसको सेम टू सेम आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो छः में से दो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस चार एक्स स्क्वायर। आगे क्या है प्यारे बच्चों? माइनस नाइन एक्स है और ये माइनस कितना है? ट्वेल्व है। फिर से चलते हैं, फिर से समस्या आई कि सर कैसे कैसे पता करें, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों इसका पहला पद उठाओ, पहला पद कितना है? तीन एक्स क्यूब, इसका पहला पद उठाओ एक्स स्क्वायर। तो दो एक्स काट दोगे तो कितनी बार लेके जाओगे? तीन एक्स बार लेके जाओगे ना, तो लेके चलो प्लस तीन एक्स बार। कितनी बार लेके जाओगे बच्चों? तीन एक्स बार। तो चलिए अब आप तीन एक्स बार लेके जाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? तीन एक्स का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो तीन एक्स क्यूब आएंगे, फिर तीन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे प्यारे बच्चों तो तीन त्रिक्का नौ एक्स, ये इधर लिख दिए प्यारे बच्चों। ये माइनस, ये क्या हो गए? प्लस। तो ये आपके कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपके सामने क्या बचा प्यारे बच्चों?
चार एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा है, 12 बचा है। तो चलिए फिर से समस्या आई कि सर कैसे लेके चलें। अरे कैसे लेके चलोगे, मैंने बताया यार इसका पहला पद उठाओ चार एक्स स्क्वायर, इसके पहले पद को डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर की विदाई तो बची कितनी, चार। तो यहाँ लेके चले जाओ चार बार। चलो जब आप चार बार लेके जाओगे तो चार का मल्टीप्लाई करोगे तो चार एक्स स्क्वायर, फिर चार तियाँ बारह, ये हो गए माइनस, ये हो गए प्लस, तो दोनों लोगों की हो गई विदाई, तो शेषफल का आ गया जीरो। अरे मैंने पहले ही बताया था यदि शेषफल जीरो आ जाए तो दिए गए बहुपद एक दूसरे के क्या हैं, गुणनखंड हैं। अतः लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः पी एक्स क्यू एक्स का गुणनखंड है, क्यू एक्स का क्या है, गुणनखंड है। क्यों है, अरे क्यों है, अरे शेषफल जीरो आया है इसीलिए पी एक्स जो है किसका गुणनखंड है, क्यू एक्स का गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों आपका दूसरे का पहला सवाल ये आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, दूसरा सवाल क्या है इनके, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक है, फिर उसके बाद क्या है, और क्यू एक्स बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तीन एक्स घाते चार प्लस पाँच एक्स क्यूब है, फिर क्या है माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x प्लस कितना है 2। आपको बताना है कि px जो है qx का गुणनखंड है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम ऐसे बना लेना, फिर क्या करोगे, यहाँ 3x घाते 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है प्यारे बच्चों 2 है। तो चलिए किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बता के रखा है कि इसके पहले पद को उठाओ, इसके पहले पद से डिवाइड करो, तो पहला पद क्या है तीन एक्स घाते चार और इसका पहला पद कितना है एक्स क्यूब, तो तीन तीन विदाई तो बचा कितना प्यारे बच्चों 3x, तो कितनी बार लेके जाओगे 3x बार। तो आज हमने आपके इस समस्या को दूर कर दिए कि कितनी बार लेके जाएं प्यारे बच्चों, तो 3x से अब मल्टीप्लाई करो। तो चलो 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x घाते कितना हो जाएगा 4, एक और तीन मिलके 4, फिर तीन त्रिका 9x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर प्यारे बच्चों, फिर 3x का गुणा यहाँ करेंगे तो 3x आ गया। चले तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये भी आपके माइनस हो जाएंगे और ये भी आपके माइनस हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल, ये आपके वैसे नोट कर लिए जाएंगे और ये देखिए माइनस नौ माइनस सात, माइनस नौ माइनस सात कितने हो जाएंगे माइनस 16 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस तीन में से दो घटा देंगे तो माइनस एक्स, और ये प्लस क्या हो गए 2 उतर गए। अब कितनी बार लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, अब कितनी बार, यहाँ पहला पद उठाओ 5x क्यूब, इसका पहला पद उठाओ x क्यूब, तो विदाई कितना बचा 5 बार ना, कितनी बार लेके जाओगे 5 बार, तो 5 बार लेके जाओ तो कितना मल्टीप्लाई करोगे 5x क्यूब आ जाएंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 5 × 15 एक्स, तो ये x आया है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस कितना आ गया 15x और 5 × 5, तो यहाँ कितने आ गए प्यारे बच्चों 5 आ गए। अब क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस, फिर ये भी माइनस, तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके उतर जाएंगे माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 15 और माइनस 1, यहाँ 1 है ना, तो माइनस 15 और माइनस 1 कितने हो गए 16x, और माइनस 5 में से 2 घटा दोगे माइनस 3 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। अब आप क्या करोगे, आप देखिए इसकी घात जो है 2 हो गई, इसकी घात 3, यानी ये कम हो गए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे शेषफल हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों शेषफल। अब हम भाग नहीं दे सकते इसके आगे, तो हमको ये बात पता चली थी कि जिसका शेषफल जीरो नहीं आता वो उसके गुणनखंड नहीं होते, तो लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पी एक्स क्यू एक्स का गुणनखंड नहीं है, क्या है भैया
गुणनखंड नहीं है। ये है प्यारे बच्चों आपका सवाल का उत्तर। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा। और इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अगर लगा लीजिएगा तो अच्छी बात है, और ना लगा पाएँ तो हम तो हैं ही हैं प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट। तीसरा सवाल आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिएगा कि इसको स्टार देना हो तो आप 5 में 5 स्टार दे सकते हो प्यारे बच्चों। तो तीसरे सवाल को अच्छे से समझिएगा, क्या कह रहा है 3x घाते 4। क्या कह रहे हैं तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, 3x घाते 4 और प्लस कितना है 6x³ है, फिर कितना है प्यारे बच्चों -2x² है, फिर कितना है प्यारे बच्चों -10x है, माइनस कितना है 5 है, के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इनके 2 शून्यक दिए गए हों, वो 2 शून्यक कौन कौन से हैं, इनके 2 शून्यक दिए गए हैं तो ध्यान से समझिएगा। ये हम मान लेते हैं px बराबर कोई दिया गया है। अब 2 शून्यक कौन कौन है लिख लेते हैं, 2 शून्यक कौन है, √5/3, −5/3। तो प्यारे बच्चों ये सवाल हमने पहले से ही बता के रखा है कि आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा कि चलिए। तो इस सवाल को भी हम लोग एकदम सरल लैंग्वेज में एकदम सरल कर देंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये भाई साहब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों इनके शून्यक है, तो बताओ जब ये इन दोनों के शून्यक होंगे तो ये जो √5/3 है ये कब आया होगा। इमेजिन करो जरा सा रफली में कि ये क्या होगा, x −√5/3 रहा होगा, बराबर 0 की होगे तो इसको उठा के जब उधर करोगे तब भाई तो x = √5/3 आया होगा। अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिखा जा सकता है जो शून्यक है, शून्यक इस प्रकार भी लिख सकते हो, शून्यक को आप लिख सकते हो x −√5/3, और क्या लिख सकते हो ये जो माइनस वाला है उसको आप क्या लिख दोगे x + √5/3। बात समझ में आई जरा सा, जब आप लोग सवाल लगाते थे तो जैसे x-2 आता था और x + 4 आते थे, इसे आप 0 के बराबर करते थे, तो x-2 = 0, तो x = क्या लिखते थे 2 लिखते थे ना, तो जो 2 वाला रहता है वो ये इस रूप में लिखते हो, तो इस रूप में हमने इनको क्या कर दिए लिख दिए। अब क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो a - b, a + b बराबर होता है a² - b² ये फार्मूला लगा देंगे a - b और a + b बराबर क्या होता है a² - b² तो बताओ a² के स्थान पे क्या है x है तो यहाँ x² हो जाएगा, b के स्थान पे क्या है √5/3 है तो इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3। तो ये इन दोनों शून्यक को हल करने पे x² - 5/3 आए, तो चूंकि जानते हैं x² - 5/3 px का क्या है शून्यक है, px का क्या है शून्यक है, क्या है प्यारे बच्चों px का शून्यक है, अतः इससे भाग देने पर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाना चाहिए कट जाना चाहिए। आपने पढ़ा ना कि जो जिसके शून्यक होते हैं अगर उनको हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं विभाजित हो जाते हैं, तो अतः अब x² - 5/3 से हम इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों डिवाइड कर लेते हैं x² - 5/3 से, तो क्या है 3x घाते 4 हैं, प्लस कितना है प्यारे बच्चों 6x³ है, माइनस कितना है 2x² - 10x - कितना है 5 है प्यारे बच्चों। तो आप मैंने बताया कि सबसे इसके पहले पद को उठाओ और इसके पहले पद से डिवाइड करो, तो पहला पद कितना है 3x घाते 4 और ये x² काट दोगे तो कितना बचा है यहाँ 3x² बार, तो कितनी बार लेके जाओगे प्यारे बच्चों 3x² बार, तो 3x² का गुणा यहाँ करोगे तो 3x घाते 4 आ जाएंगे। प्यारे बच्चों जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जरा सा समझो, यहाँ 5/3 और गुणे क्या करोगे 3x², तो 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया माइनस
पाँच एक्स स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों माइनस पाँच एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। अब ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल, अब ये आपके उतर गए सिक्स एक्स क्यूब, इसको हम लोग ऐसे उतार लेंगे। अब पाँच में से दो घटा दोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, माइनस कितना है दस एक्स, माइनस क्या है पाँच है प्यारे बच्चों। अब इसके पहले वाले पद को उठाओ तो ये पहला पद क्या है सिक्स एक्स क्यूब, इसका पहला पद कितना है एक्स स्क्वायर, तो कट गए कितनी बार लेके जाओगे छः एक्स बार, कितनी बार लेके जाओगे प्यारे बच्चों सिक्स एक्स बार। अब जब आप सिक्स एक्स बार यहाँ लेके जाओगे तो इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सिक्स एक्स क्यूब आ जाएंगे, जब इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो समझो माइनस पाँच बटे तीन गुणे छः एक्स स्क्वायर किए तो तीन एक के तीन, तीन दूनी छः, कितना आ गया पाँच दूनी दस, कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों पाँच दूनी दस, कितने आ गए माइनस कितना आएगा प्यारे बच्चों दस एक्स स्क्वायर। और ये देखिए ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया आपके प्लस, तो ये कैंसिल, दस में से तीन जोड़ दोगे कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों दस तीन कितने आ जाएंगे तेरह एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया माइनस दस एक्स, माइनस कितने आ गए पाँच आ गए प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, अब यहाँ फिर से पहला पद आप उठाओ तो इनको हम लोग डिवाइड करेंगे। एक मिनट फिर से ध्यान से जरा सा समझिएगा आप लोग, क्या कहीं आप लोग मिस्टेक तो नहीं किए, आपने क्या किया पाँच में से दो घटा दिए तीन आ गए, फिर आप कितनी बार लेके गए प्यारे बच्चों छः बार, तो तीन दूनी छः तो दो पंचे कितने आ गए दस एक्स आ गए, दस एक्स आए, कितने आए प्यारे बच्चों दस एक्स, तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ये आप गलती कर रहे थे, तो यहाँ कितनी आ जाएगी भैया कितना आएगा यहाँ आएगा, तो हल किए कितना आया था माइनस दस एक्स, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके स्टेप में क्या बचेगा प्यारे बच्चों तीन एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा पाँच, तो अब कितनी बार लेके चले जाओगे तीन बार, कितनी बार लेके जाओगे तीन बार, तो तीन का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो तीन एक्स स्क्वायर, फिर इनसे कर दोगे तो केवल आपके क्या बच जाएंगे माइनस पाँच, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए तो शेषफल क्या आ गया जीरो आ गया। अतः हम तो जानते थे, आप लोग भी जानते हो कि ये इसका गुणनखंड है, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करते तो शेषफल क्या आ जाते जीरो आ जाते प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसका अगर गुणनखंड कर लें, इसको गुणनखंड कर दें, तो हम के हमारे जो अगले दो शून्यक हैं इसके जो अगले दो शून्यक हैं वो निकल के चले आएंगे। तो चलिए हम लोग अब इसका गुणनखंड करते हैं, ये जो प्राप्त हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं सोचो, क्या हम इसको इसको ये जो भाग है इसको इन दोनों के गुणनफल के लिखते हैं ना, ये जो भाग है इन दोनों के गुणनफल और जीरो जोड़ देंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों तीन एक्स घाते चार, फिर क्या है प्लस सिक्स एक्स क्यूब, फिर क्या है माइनस दो एक्स स्क्वायर, माइनस कितना है प्यारे बच्चों दस एक्स है, फिर कितना है माइनस पाँच के बराबर क्या लिखा जा सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटे तीन, फिर क्या है इंटू तीन एक्स स्क्वायर, क्या है प्यारे बच्चों तीन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस कितना है तीन है, ये लिख दिए। तो ये तो हमारे हल किए गए हैं, आप इनको क्या लिख सकते हो, इनको तो x इस रूप में लिखा जा सकता है ना, तो इनको तो हम लोग हल किए हैं, अब उनको हल करना है, तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भैया तीन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस तीन का गुणनखंड करना है, तो यहाँ लिखते चलते हैं तो गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों, तो तीन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस तीन, इसका गुणनखंड करते हैं तो तीन त्रिका कितने हो गए नौ, तीन त्रिका नौ, तो नौ का गुणनखंड ऐसा करें कि जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए छः आ जाए, तो तीन तीन छः, तो इसको क्या लिखेंगे तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस तीन एक्स प्लस क्या आ गए तीन आ गए प्यारे बच्चों। दोनों में क्या कॉमन है तीन एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएंगे तीन एक्स, और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा एक, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन हो जाएगा, तो तीन सॉरी दोनों में तीन कॉमन थे तो यहाँ क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों तीन कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा एक, एक बार इसे फिर से समझ लीजिए, इन दोनों में तीन एक्स कॉमन थे तो आपने जब तीन एक्स बाहर कर लिए तो एक एक्स बचा, यहाँ एक बचे, इन दोनों में तीन कॉमन था तो एक्स प्लस क्या बच गया एक, दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों
एक्स प्लस एक कॉमन है और बचा क्या 3x+3। चलिए इनको जीरो के बराबर करते हैं। जब जीरो के बराबर करोगे तो एक बार x प्लस एक बराबर जीरो रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएंगे, -1 आ जाएंगे, और एक बार 3x+3 बराबर जीरो रखोगे तो 3x बराबर -3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर कितने आ गए -1। यानी इसके जो अगले दो शून्यक थे वो -1 और -1 होंगे, और जो अगले जो दो शून्यक पहले से थे ये थे। तो इस प्रकार ये जो सवाल है वो आपका समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये सवाल बोर्ड के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अभ्यास कीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार करिएगा, जब तक आपको आ ना जाए। तो इस प्रश्नावली के चौथे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको मूव कर। तो चौथा सवाल क्या करा आप लोगों से कि यदि x³ -3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना प्राप्त होता है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला जानते थे, क्या जानते थे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आप लोग जानते हो, पी एक्स बराबर क्या होता है, क्यू एक्स गुणे जी एक्स और प्लस क्या होता है, आर एक्स। ठीक प्यारे बच्चों, तो पी एक्स आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, पी एक्स आपको दिया है x³ -3x² + x + 2 है। फिर प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, जी एक्स निकालना है। तो क्यू एक्स आपको दिया गया है, क्यू एक्स क्या है भैया, x-2 है, x-2 इंटू क्या है, जी एक्स है, और आर एक्स आपको क्या दिया गया है, आर एक्स है -2x+4, ये दिया गया है। प्यारे बच्चों हम सवाल को डायरेक्ट लिख लिए हैं, आप लोग बुक से सवाल को देख लीजिएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, जी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ इधर प्लस में है वो चीज़ इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम हल करते हैं, तो x³ क्या आ गया प्यारे बच्चों, x³ -3x² + x+2। तो ये चीज़ इधर आए तो ये पूरा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, -2x और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4 बराबर, इधर क्या बचे प्यारे बच्चों, x-2 इंटू कितना बच गया, जी एक्स बच गया। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इनको हल किया जाए तो x³ आएंगे -3x² 1x और 2x मिलके कितने हो गए 3x, और -4 में से 2 माइनस कर दिए तो क्या आ गए, -2 आ गए, बराबर क्या आ गया, x-2 और क्या आ गए, जी एक्स आ गए। तो इनको अगर हम इधर भेज दें तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएंगे डिवाइड में, x³ -3x² + 3x - 2 बटी क्या आ जाएंगे, x-2 बराबर क्या आ गए, जी एक्स। अब आप x-2 से इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें जी एक्स का मान मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों जी एक्स से हम लोग इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जी एक्स से डिवाइड x-2 से डिवाइड करते हैं तो जी एक्स का मान मिलेगा। तो x-2 से इनको डिवाइड करेंगे किनको, x³ -3x² + क्या है, 3x है, माइनस कितना है, 2 है। तो प्यारे बच्चों हमने कई बार बताया कि पहले पद को उठाओ, पहला पद कितना है x³, इनका पहला पद x, 1x 1x कैंसिल करोगे तो कितने बचेंगे, x^2। तो x^2 बार आप लेके जाओगे तो x^2 का मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो x^3 आ जाएंगे, फिर इनसे करोगे प्यारे बच्चों तो -2x² आ जाएंगे। अब क्या करोगे, ये माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस ये कैंसिल, तो -3 में से 2 घटा दोगे क्या आ जाएगा, -x² आएगा, ये आपकी वैसे उतार लीजिएगा, +3x इनको भी उतार लेंगे, -2। अब कितनी बार लेके जाओगे प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ एक एक्स कैंसिल होगा तो 1x बार लेके जाओगे, तीन से इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -x² इनसे करोगे तो +2x हो गए प्यारे बच्चों, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल, 3 में से 2 घटा दिए, x आ गए -2। कितनी बार लेके जाओगे, +1 बार, तो x-2, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपके जो आपको क्या ज्ञात करना था, जी एक्स का मान, तो जी एक्स का मान क्या आया, इनको हल करने पर जो जी एक्स का मान मिला वो क्या था प्यारे बच्चों, ये मिल गया, देखिएगा ये
सॉरी आप जीएक्स से क्या करते हो, भाग देते हो ना, तो जीएक्स का मान कितना मिल गया, जीएक्स का मान आपको मिला एक्स माइनस दो। ठीक, सॉरी आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, क्या होता है कि ये जीएक्स होता है, ये क्यूएक्स होता है। तो क्यूएक्स क्या होते हैं, जो कि आपको क्या आता है, भागफल आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, भागफल आता है ना। तो जीएक्स के मान आपके मिल गए, इनको हल करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर क्या आ गया, जीएक्स। तो इस प्रकार आपके ये मान आ जाते हैं। तो आपके चौथे नंबर भी सवाल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल भी बोर्ड के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और एकदम सरल सवाल है, क्योंकि इसमें आपको अपने मन से केवल लगाना रहता है, समाधान करना रहता है, संख्याएं बनानी है। तो आइए देखते हैं। पर पांचवा सवाल आपके बोर्ड के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, देख के जाइएगा पेपर देने जाने से पहले। तो चलिए पांचवा सवाल क्या है, बहुपद पी एक्स और जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो पहला क्या है, पांचवें का पहला नंबर कह रहा है घात पी एक्स बराबर क्या होता है, आर एक्स। घात पी एक्स बराबर क्या होता है, घात आर एक्स। तो प्यारे बच्चों, जो पी एक्स होता है वो क्या होता है, पी एक्स क्या होते हैं, जिसमें आप लोग भाग देते हैं, यानी जो पी एक्स क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। तो पी एक्स और आर एक्स यानी घात पी एक्स यानी इसका घात बराबर होना चाहिए जितना आर एक्स का घात होना चाहिए। तो आप प्यारे बच्चों आप सोचिए कि कैसे किया जाए कि जो घात पी एक्स है वो घात आर एक्स के क्या हो जाए, बराबर। बच्चों आपका जो पांचवें का पहला सवाल है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स है, ठीक। तो अब ध्यान से समझिएगा, पी एक्स क्या होता है, पी एक्स वो होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं। पी एक्स क्या होता है, आपका भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। तो आप पी एक्स एक अपने मन से चाहे जो भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहो एक्स इसका प्लस टू एक्स प्लस क्या हो गए, सेवन हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों, सेवन हो गए। अब क्या करना है, घात क्यू एक्स। घात क्यू एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, पता है आपको, घात क्यू एक्स वो होता है जो भागफल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, भागफल। अब आप सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ क्या करें कि किससे डिवाइड करें, किससे इसको भाग करें कि हमको जो घात क्यू एक्स है वो बराबर आना चाहिए। तो आप सोचो कि घात क्यू एक्स कैसे आने चाहिए, तो हम करते क्या है कि क्यू एक्स का मान लिखते हैं। प्यारे बच्चों जरा साफ समझिए कि पी एक्स तो आप अपने मन से मान सकते हो, पी एक्स का मान आप अपने मन से ले सकते हो, पर जो क्यू एक्स है वो आपको सोच समझ के लेने पड़ेंगे जिससे कि क्यू एक्स की घात इसके इक्वल हो जाए। तो आप सोचिए कि क्या किससे डिवाइड किया जाए कि क्यू एक्स की घात इक्वल हो जाए। तो आप मान लीजिए जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गए, क्या हो गए, एक्स स्क्वायर और क्या हो गए, प्लस एक हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस एक से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए आप इनके जो इन दोनों के जो घात होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए हम ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जी एक्स बराबर क्या लेते हैं, जी एक्स यहाँ क्या मानते हैं, सॉरी इसको हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स मानते हैं, और जी एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस एक। या हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जरा सा इसको ऐसे कीजिए, सेवन एक्स स्क्वायर और इसको क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, दो। अब आप देखिए जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड कीजिए, तो जी एक्स को पी एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे, दो। दो में क्या होता है, ये सात एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस कितना आ जाएगा, सेवन। तो अब दो से डिवाइड करोगे तो कितनी बार लेके जाओगे यहाँ भैया, दो से डिवाइड करोगे तो आपके यहाँ सेवन ना होकर आप यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा। तो जैसे आप इमेजिन कीजिए कि जरा सा यहाँ आठ होता, क्या होता प्यारे बच्चों, आठ होता तो आपको और आसान होता लगाने में। तो दो चौके कितना हो जाता, दो चार एक्स स्क्वायर बार ले जाते, तो जो दो चौके कितना हो जाता, आठ एक्स स्क्वायर। तो ये आप माइनस करते तो ये कैंसिल हो जाते, फिर क्या बचा, दो एक्स। तो कितनी बार लेके जाओगे प्यारे बच्चों, कितनी बार लेके जाओगे, x बार, तो 2x आ जाएंगे, माइनस ये कट गए, क्या बचा, 7। तो ये 7 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। या आप और एक बार ले जा सकते हो, प्लस कितनी बार, 3 बार, तो 2 तिहाई 6।
छः तो सात में से छः माइनस कर दिए, कितना आ गया एक। तो आप देखिए इसकी घात यहाँ दो है, इसकी भी घात दो है, इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, इसकी घात शून्य है, इसकी घात भी शून्य है। अर्थात यदि आप ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां घात पी एक्स और बराबर घात क्या हो क्यू एक्स हो, तो घात क्यू एक्स ये है तो हम यहाँ क्यू एक्स का मान लिख सकते हैं, क्यू एक्स का मान क्या हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस तीन। आप ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। जैसे आप अगर इसी सवाल पे एक आध दो एग्जाम्पल और देखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, जैसे आप लिख दीजिए नाइन एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस नाइन हो गए। अब आप किसी एक्स ये क्या हो गए पी एक्स हो गए, आप यहाँ जी एक्स से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। तो जी एक्स के लिए कोई भी एक एनी वन कोई संख्या ले लीजिए, तीन ले लीजिए, चार ले लीजिए, दो ले लीजिए, आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए जिसमें एक्स का पद ना हो, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो घात पी एक्स बराबर घात आर एक्स आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग इस सवाल को, क्या है पी एक्स बराबर क्या मान लिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स बराबर क्या मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए क्या घात जो क्यू एक्स है वो घात आर एक्स के बराबर होता है, तो आइए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक हो गए, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है एक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ घात दो है, यहाँ घात तीन है, एक्स बार लेके जाओगे कितनी बार आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ कितनी बार ले जाओगे प्यारे बच्चों x का मल्टीप्लाई एक से करोगे तो माइनस एक्स आ जाएंगे, ये माइनस ये प्लस तो ये कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये जोड़ दिए कितना आ गया प्यारे बच्चों टू एक्स, और ये प्लस क्या आ गया एक आ गया। अब कितनी बार लेके जाओगे प्यारे बच्चों एक बार लेके जाओगे, कितनी बार लेके जाओगे एक बार, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक आ जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक ये माइनस ये आपके प्लस ये कैंसिल तो ये कितने आ गया 2x प्लस टू। अब कितनी बार लेके जाओगे प्यारे बच्चों, अब नहीं जाएंगे तो आप देखिए यहाँ की घात एक है और यहाँ की भी घात एक है, तो वही तो बोल रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स होने चाहिए। तो इस प्रकार आप इस दूसरे सवाल को सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। इसी सवाल के साथ एक सवाल और है, तीसरा सवाल वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं, वो आप उसका अभ्यास कीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप बच्चों वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।